हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर बटर मसाला। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनती है। चलिए मैं उसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको उसकी रेसिपी दिखाती हूँ पनीर बटर मसाला की। ये देखिए, पनीर है हमारा 250 और ये देखिए दो टमाटर है हमारा, बड़ा टमाटर था, और ये हमारा 4 प्याज है, मैंने उसे काट लिया, और ये देखिए 2 तेजपत्ता, जीरा, दालचीनी और बड़ी इलायची है, और ये काजू है हमारा 4 से 5, और ये हमारा लाल मिर्च, और ये धनिया, जीरा और काली मिर्च की मिक्स मसाला, और ये अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट है मैंने जो बना रखा है, और ये हमारा मलाई है जो घर में ही हमारा था। आइए मैं दिखाती हूँ उसकी रेसिपी। सबसे पहले हमें ये तेज पत्ता डाल देना, और ये जीरा जो हम लोगों ने लिया था, इसे थोड़ा सा इसे फ्राई इस तरह कर लेना है। अब इसमें हम लोग प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज मैंने डाल दिया, और इसे ज्यादा नहीं फ्राई करना है, इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे, और इसमें टमाटर थोड़ी देर में ऐड कर देंगे, और फिर उसका बताती हूँ। ये देखिए प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया, कलर चेंज हो गया है प्याज का, तो मैं टमाटर इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, और इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी ताकि ये गल जाए हमारा। ये देखिए मैं इसे चेक कर लेती हूँ। देखिए टमाटर भी हमारा गल गया है, देखिए इस तरह से। तो अब इसमें थोड़ा सा काजू ऐड कर देंगे, और बस इस तरह थोड़ी सी काजू को भूनने देंगे, और इसे बंद करके हम मिक्सर जार में इसे पीस लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे पीस लेंगे, और तेज पत्ता निकाल देना हमें। हाँ, ये देखिए हमारा काजू भी भून गया है, और मैं इसे 5 मिनट तक इसे कम से कम फ्राई करना है, उसके बाद इसे बंद कर देना, और इसे ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं हम लोग। ये देखिए अब मैंने इसे मिक्सर जार में पीस लिया है, हमारा पेस्ट पीस आ गया। अब तेल हमारा गर्म हो रहा है, मैंने 2 स्पून तेल लिया, ज्यादा तेल नहीं लेना है। ये देखिए इसमें पहले हल्दी थोड़ा सा डाल देंगे, और ये जो हमारा मिक्स मसाला था मैंने बताया था ना, धनिया जीरा का, ये देखिए मैंने डाल दिया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, ऐसे थोड़ी देर तक भूनना है। देखिए हमारा मसाला भून गया थोड़ा सा, तो अब इसमें मैं जो मिक्स बनाई थी, पेस्ट बनाई थी, उसे डाल दूंगी। ये देखिए मैंने डाल दिया। अब इसे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हमें ढककर भूनना पड़ेगा, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए ये देखिए सब्जी थोड़ा सा भून गया है, तो मैं अब इसमें लाल मिर्च और नमक आप स्वाद अनुसार ही डालें, इस तरह डालकर और इसे भूनने देंगे। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा इसका कलर आया है। बस अब इसमें हमें इसे डाल देना मलाई, ये देखिए मैंने मलाई इसमें डाल दिया, इसे थोड़ी सी भून ली है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा ग्रेवी जैसा ही रहता है, ये ज्यादा पतला नहीं रहता है, तो ये तो ग्रेवी देखिए इसका इस तरह रहेगा। ये देखिए हमारा मसाला थोड़ा तैयार हो गया है, तो इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे और गरम मसाला, और इसे पकने देंगे 5-2 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा पनीर बटर मसाला तैयार हो गया है। अब देखिए इस तरह कितना अच्छा प्यारा लग रहा है देखिए, और इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी होती है। आप इसे नान, रोटी या पराठा, कोई भी चीज के साथ आप इसे खा सकते हैं। देखिए अब मैं थोड़ी सी से धनिया पत्ते से और इसे मिला लूंगी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत जल्दी बनता है। अब
करिए, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।